दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं और मजबूत भी कर सकते हैं। नहीं नहीं मित्रों, सारे रिश्ते अच्छे होते हैं लेकिन वक्त के साथ ये उलझ जाते हैं और अक्सर हमारे मन में यही सवाल रहता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने रिश्ते की शुरुआत में जो ध्यान देते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आप अपने आगे की जिंदगी में इतनी बिजी हो जाते हैं कि बीते दिनों में बनाए गए रिश्तों को वक्त ही नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपका रिश्ता धीरे धीरे उलझ जाता है और टूटने की कगार पर आ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आने पर ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। पॉइंट नंबर 1, जब तक गलती का एहसास नहीं होता है दूरियां खत्म करना मुश्किल होता है। अगर गलती आपकी है तो उसके लिए अपने आप को दोष ना दें बल्कि दूसरे को उससे कितना दुख हुआ होगा उसे महसूस करने की कोशिश करें। जब आपको गलती का एहसास होगा तभी आप उसे ठीक करने के लिए दिल से कोशिश कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई है और गलती आपके पार्टनर की है तो उसे अपने सामने झुकाने पर मजबूर ना करें बल्कि उसे मन में ही माफ कर दें क्योंकि माफी मंगवाने की जिद पर अड़े रहने से बात संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकती है और इससे आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। और एक बात, ऐसी स्थिति में कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाना या ताना मारने जैसी हरकत ना करें, इससे आप दोनों के मन में कड़वाहट भर सकती है जो कि रिश्तों को बेवजह कमजोर कर देती है। पॉइंट नंबर 3, रिश्तों में हमेशा दो तरफा कोशिश होनी चाहिए। दोनों पार्टनर्स को बैठकर अपने बीच के डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए और साथ में वक्त बिताना चाहिए और एक नई शुरुआत की पहल करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके और आपके पार्टनर के बीच कभी दरार नहीं आएगी और दोनों का एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4, कई बार दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यहाँ तक कि गलती साबित होने पर भी वो माफी मांगने से पीछे हटते हैं। ध्यान रखें कि रिश्ते को सुधारने के लिए अगर आपने गलती मान भी ली तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एक बार सामने वाले की सिचुएशन के बारे में भी जरूर सोचें और खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें, कोई न कोई सलूशन जरूर निकलेगा। इससे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके रिश्ते में मिठास आएगी। पॉइंट नंबर 5, जब भी बहस या लड़ाई की सिचुएशन हो तब शांत रहने या अपनी बात रखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो उस बात को दोबारा ना करें और उस टॉपिक को भूलने की कोशिश करें क्योंकि रिलेशन हमारे ईगो से ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है तो परेशान ना हो बल्कि शांत रहें और समझदारी दिखाएं क्योंकि लड़ाई और बहस को जितना बढ़ाएंगे बढ़ता ही जाएगा, इसलिए इसे जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से ही प्यार भरी पहल कीजिए, ये बातें सामने वाले के मन में आपके लिए प्यार व विश्वास बढ़ाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।